सावन में ये पांच पौधे लगाने से घर में आएंगी खुशियाँ। ज्योतिषियों का कहना है कि सावन मास एक ऐसा महीना है जिसमें कुछ पौधे लगाने से इंसान का भाग्योदय हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि सावन मास में कौन से पौधे लगाने से हमारा और आपका भाग्य चमक सकता है। नंबर एक, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। वास्तु के अनुसार इसका पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस घर के सामने बेलपत्र का पौधा होता है वहाँ कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। नंबर दो, सावन के महीने में घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की पौधे को कार्तिक मास में भी लगाना शुभ माना जाता है। नंबर तीन, सावन की एकादशी पर घर के पीछे केले का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। इसे कभी भी घर के सामने की ओर नहीं लगाना चाहिए। नंबर चार, सावन मास में शनिवार को शमी का पौधा लगाया जा सकता है। इसे घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर पाँच, सावन के महीने में आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। इसे रोजाना जल देने से और परिक्रमा करने से संतान संबंधी दोष या समस्या नष्ट हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।